नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पाल। आप देख रहे हैं आपका अपना अंकित पाल फिटनेस। आप लोगों ने मुझसे काफी सारे सवाल पूछे हुए थे इंस्टाग्राम में, और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो था वो उसी टॉपिक पे मैं आज इस वीडियो पे कवर अप करने वाला हूं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये था गाइस कि बजट फ्रेंडली सप्लीमेंट हमें बताएं, क्योंकि हम एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर स्कूल स्टूडेंट है, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कौन सा सप्लीमेंट, कौन सा वे प्रोटीन लें। तो उस वे प्रोटीन के बारे में आज मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा, कैसे आपको लेना है, कितना लेना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। सेकेंडली, आप लोगों के दिमाग में ये था कि हम अगर टीनेजर्स हैं तो क्या हम ले सकते कि नहीं ले सकते वे प्रोटीन। तो गाइस पहली बात आपको बता दूं गाइस कि कोई दिक्कत नहीं होती है आपको वे प्रोटीन। जस्ट ऐसा ही है कि आप जैसे अंडे खा लेते हैं उस पे प्रोटीन मिल जाता है, अगर आप अंडे नहीं खा पा रहे तो बाहर से आप वे प्रोटीन ले लीजिए। अब गाइस किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि अंडे उबाले, ये उबाले, वो उबाले। तो उसके लिए सबसे ईजी मेथड क्या है कि आप एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट जो है बाहर से ले लीजिए, एंड उसको जब आपकी मर्जी हो आप उसको ले लीजिए। ये आपका पहले क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुका। सेकेंडली, आपका बजट फ्रेंडली आप मुझसे पूछ रहे थे कि बजट फ्रेंडली कोई सप्लीमेंट बताएं, क्योंकि हम महंगा इतना सप्लीमेंट नहीं ले सकते, हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती है, और हम साथ ही साथ हम चाहते हैं कोई ऐसा सप्लीमेंट बताओ जो 1100-1200 के अंदर आपको इजीली मिल जाए एंड अच्छा इफेक्टिवली भी हो। बजट फ्रेंडली लेना चाहते हैं सप्लीमेंट, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये रॉ वे प्रोटीन जो मैंने खुद यूज किया है, आप लोगों को पता होगा मैंने अपनी स्टोरी में डाला था इंस्टाग्राम की, एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई इसका नाम क्या है, इसको यूज कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल चीज कही थी कि मुझे खुद यूज करने दो, फिर यूज करने के बाद अपना जो है मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको यहां पर दे रहा हूं। अब ये मुझे आया है न्यूट्राबॉक्स से, आपको पता होगा बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किया है, एंड मैं अपना जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो यहां पर इस वीडियो में देने वाला हूं। और ये रॉ वे प्रोटीन है। देखिए गाइस, दो टाइप के प्रोटीन आते हैं आपको पता है, एक आता है रॉ और एक आता है फ्लेवर्ड वाला। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रॉ ली गाइस। देखिए क्या होता है ना, फ्लेवर्ड वाले में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो जाते हैं, कभी कभार फ्लेवर ऐड कर देते हैं वो लोग, तो फ्लेवर के चक्कर में काफ़ी सारे जो क्वांटिटीज होती है ना जैसे प्रोटीन की, वो कम कर देते हैं, या फिर बोलो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, थोड़ी बहुत क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो अगर आप दूसरा सप्लीमेंट लेते भी हैं, सपोज आपने फ्लेवर्ड भी लिया इसमें, तो कोशिश करें गाइस कि चॉकलेट लें, क्योंकि चॉकलेट में मिलावट थोड़ी कम रहती है, एंड फ्लेवर्ड में मिलावटें बहुत ज़्यादा रहती है मैक्सिमम टाइम पे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रॉ पे जाएं। रॉ क्या है, थोड़ा सस्ता भी होता है, ईजिली अवेलेबल भी है, आपको अच्छे प्राइस में मिल भी जाएगा। अब ये जो है ये बेसिकली रॉ है, 100% वे प्रोटीन रॉ है। मैं इसको खुद इसको लगभग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, 10 दिन से ज़्यादा तो हो ही चुके यूज़ करते करते। आप देख सकते हैं सील यहाँ पर खुला हुआ है। आप लोग, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मुझसे कि इसके अंदर स्कूप वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता। तो गाइस डेफिनेटली एक स्कूप आपको अंदर मिलता है, वो सभी सप्लीमेंट्स में मिलता है, वरना आप उसको पियोगे कैसे, लोगे कैसे। अब इसमें सर्विंग कंटेनर 33 दिया है, एनर्जी बेसिकली आपको 122 मिल रही है इसमें, ठीक है, और एनर्जी फ्रॉम फैट मिल रहा है। अब बात करते हैं इसमें प्रोटीन के बारे में गाइस। तो देखिए प्रोटीन लगभग इसका जो एक स्कूप है 30 ग्राम्स का एक स्कूप है प्रॉपर, और उस एक 30 ग्राम्स के स्कूप में आपको जो प्रोटीन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है लगभग 24 ग्राम, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अगर 2 स्कूप लेंगे 3 स्कूप लेंगे आपके ऊपर, आप जितना लेना चाहते हैं ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम है। मैं सजेस्ट करूंगा जब आप सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर कोई भी वे प्रोटीन लेते हैं, बहुत कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट किसमें कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वे प्रोटीन में, और वे प्रोटीन की खासियत यही होती है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है कम होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा प्रोटीन वगैरह ले लेंगे तो फिर वो मास गेनर हो गया, तो उस मास गेनर से कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ आपका पेट गेन होने वाला, और उससे कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर जो है 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा, 1-2 ग्राम आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, जो कि ठीक ही ठाक है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड इसमें जो बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो है शुगर। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं या आप कोई भी हैं ऐसी कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप तब इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर आप डायबिटिक हैं गाइस, तो प्लीज़ रिमेंबर कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल अवॉइड करें, शुगर को भी बिल्कुल अवॉइड करें। और यहाँ पर एडेड शुगर जैसे कि मैंने आपको कहा एकदम जीरो है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टोटल आपको फैट यहां पर मिल जाता है 1.95 ग्राम, सो फैट से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फैट्स और प्रोटीन साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अब यहां पर हम बातचीत करते हैं थोड़ा सा इसके एसेंशियल्स के बारे में, अमीनो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब गाइस बातचीत करते हैं इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जब कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कितना है, इसका एक्सपायरी कितना है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग आपको बता देता हूं, लेटेस्ट है बिल्कुल 3/2019, यानी मार्च 2019 का इसका
मैन्युफैक्चरिंग एकदम लेटेस्ट मिला है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें गाइस, इसमें 1799 प्राइस लिखा है, लेकिन मैंने आपके लिए ना नीचे एक लिंक दे के रखी है अमेजोन की, आप चाहें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, जहां से भी आपका मन करे आप ले सकते हैं। जो मैंने नीचे एक लिंक प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर गाइस आपको आराम से 1200 रुपये में ये जो है मिल जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि 1799 पे अभी आपको इसमें मिल जाएगा नॉर्मली अगर आप दुकान से लेंगे, लेकिन आपको मैंने जो लिंक दिया वहां से लेंगे आपको 1200 में पड़ेगा, यानी कि 1200 रुपये आप ऑब्वियसली आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। अब बातचीत करते हैं गाइस, इसमें सब चीज लिखा हुआ है, FSSAI का सर्टिफिकेशन भी दिया हुआ है, एक मार्क दिया हुआ है, और USA पूरा ब्रांड है, ठीक है, ट्रस्टेड है। यहां पर इनके बहुत सारी चीजें जो है वे फ्रॉम USA इंपोर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 100% श्योरिटी है इसमें कि आपको अच्छा प्रोडक्ट ही मिलेगा, एन ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। अब दोस्तों इसमें बातचीत करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। वैसे इसकी लास्ट में अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर नीचे इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ नहीं करना है। अब गाइस देखिए, आप सुबह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्कआउट से पहले भी ले सकते हैं, वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं, अगर आपको कोई मील स्किप हो रहा है उस टाइम पे भी ले सकते हैं, आप डिनर से पहले भी ले सकते हैं, डिनर के बाद भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रोटीन प्रोटीन होता है, आपका जब मर्जी हो आप लीजिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यही सब इसमें दी हुई थी। अब हम लोग बातचीत करते हैं गाइस कि क्या ये वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ग्रीन साइन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है गाइस कि वेजिटेरियन है। अब जितने भी मैक्सिमम वे प्रोटीन्स होते हैं आपको पता होगा उनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी हमें हमेशा चेक करनी चाहिए। इसकी जो एक्सपायरी है वो 18 महीने तक है, यानी कि आपने सपोज इसको अभी खोल दिया, 18 महीने तक ये बराबर चलेगा, आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए 18 महीने से पहले तक। जो आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आएगा कि पता कैसे करें कि असली है या फेक मिल रहा है, क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी का बड़ा ज़माना है, तो हम किसी भी सप्लीमेंट को ऐसे अंधाधुन टेस्ट नहीं कर सकते या फिर अंधाधुन नहीं समझ सकते। अब यहाँ पर बातचीत करते गाइस, देखिए एक तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर इसका QR कोड, यहाँ से आप स्कैन कीजिए, यहाँ से आप जैसे ही स्कैन करेंगे आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, इसको आपको पता चल जाएगा भाई फेक है कि रियल है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको आने नहीं वाली। आप लोग सोच रहे होंगे इसकी मिक्सिबिलिटी के बारे में कि कैसा मिक्सिबल होता है कि नहीं होता, तो भैया आपको बता दूँ कि बहुत सिंपल मिक्स हो जाता है, आपको कोई बहुत टाइम नहीं लेने वाला। आप इसको जैसे ही डालेंगे आप अपना फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, कोकोआ डाल सकते हैं, या फिर आप बनाना शेक के साथ इसको ले सकते हैं, या फिर फ्रूट ऐड कर सकते हैं, रैसबेरीज वगैरह, जो भी आपका मन है जिसके साथ आप ऐड करना चाहते हैं वो इसके साथ इसको आप ऐड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और मिक्सिबिलिटी के बारे में बातचीत करूँ, बहुत इजीली मिक्स हो जाता है, आपको जस्ट थोड़ा सा शेक करना पड़ेगा एंड इट विल टेक अराउंड 15-30 सेकेंड्स, उसके बाद आपका ये पूरा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसको पीने में। टेस्ट की बातचीत करूँ गाइस, आपको भी पता है फ्लेवर तो है नहीं इसमें, रॉ है, तो रॉ का टेस्ट जो है बहुत सिंपल रहता है। कि ये कौन कौन सी क्वांटिटीज़ में आता है, मेरे पास तो 1 kg है, आप चाहे तो इससे भी कम ले सकते हैं, अगर आपका बजट और भी कम है आप 500 ग्राम वाला भी ले सकते हैं, 500 ग्राम वाला इससे सस्ता रहेगा, आपके हिसाब से आपका जैसा बजट है आप उस हिसाब से जो है अपना इन्वेस्ट कीजिए बजट में। एंड मेरे हिसाब से मैं कहूँगा आपको 1 kg लीजिए, अच्छे से आप इसको यूज़ कीजिए, 15-20 दिन आपका ये आराम से चल जाएगा, आप पे डिपेंड करता है, आप सुबह शाम जितनी बार भी लेना चाहे ले सकते हैं। अब गाइस आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये जो है 1 kg का सप्लीमेंट है, ठीक है, 1 kg का वे प्रोटीन है, अब इसका प्राइस 1200-1300 क्यों है और बाकी सप्लीमेंट्स जो हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं। अब आपको इसकी बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये क्या करते हैं ना गाइस, जैसे आपने ऑर्डर किया तो ये डायरेक्ट ब्रांड जो है वो किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करती है, यानी कि जो ब्रांड है वो ब्रांड के पास जैसे ऑर्डर देंगे उसके बाद डायरेक्ट आपके घर पे ऑर्डर आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे बीच में जो लोग आपको जो एडअप करके देते हैं इसलिए वो सप्लीमेंट जो है बाकी बहुत महंगे हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं करते, ये सीधा आपके ब्रांड से उठाएंगे और आपको सीधा भेज देंगे, तो इसलिए इसका जो प्राइस है आपको कम प्राइस में मिलता है। एक चीज़ और आपको बता दूँ कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है कि नहीं, तो गाइस इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है इसलिए ये आराम से आपका डाइजेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत आती नहीं है आपको, मिक्सिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आप इसको आराम से रख सकते हैं, ड्राई जगह पे या नॉर्मल जगह पे भी रखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिए हुए हैं ताकि आप इसको इजीली डाइजेस्ट कर सकें एंड आपको कोई ब्लोटिंग ना फील हो या आपको कोई हैवी ना फील हो, या फिर कई बार ऐसा होता है हम कोई सप्लीमेंट ले तो लेते हैं लेकिन बड़ा अजीब सा फिर पेट में दर्द होने लगता है, एलर्जी टाइप का हो जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी एडेड नहीं है कि जिससे आपको एलर्जी वगैरह हो। और इंपॉर्टेंट बता दूं गाइस कि ये ग्लूटेन फ्री है, तो आपको दिक्कत
दिक्कत की कोई बात ही नहीं होने वाली इसमें। ये इसका प्राइस एक तो पहली बात कम क्यों है, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं। अगर आप आइसोलेट लेते या फिर हाइड्रोलाइज लेते वो थोड़ा महंगा आता है। तो जो बजट फ्रेंडली आपको लेना है ना, तो मैं आपको कहूंगा कि कॉन्सेंट्रेट पे जाए एक बार, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट सप्लीमेंट जितने भी होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते नहीं है, तो आप इजिली उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेंट्रेट है, लगभग जहां तक मेरे को इसमें पता है, मैंने जहां तक इसमें देखा है, आपको इसमें लगभग मिलता है 5 से 6 ग्राम तक का आपको इसमें BCAA मिल जाता है। ब्यूटामिन आपको मिल जाता है 4.3 ग्राम। ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, रॉ होते हैं, लेकिन क्या होता है उनमें थोड़ा बहुत सोया ऐड हो जाता है। इसमें एक चीज आपको बेस्ट बता दूं कि इसमें कोई भी सोया एडेड नहीं है, सोया फ्री है। मैंने पहले ही आपको बताया कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मिल्क से या सोया से एलर्जी होती है, तो इसमें ऐसी कोई भी चीज ऐड नहीं की गई है जिससे आपको एलर्जी हो। अब मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा गाइस कि आप लोग इसको इन्वेस्ट करें, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि यह बिगनर्स के लिए भी अच्छा है, एडवांस के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। एंड अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्पेशली बोलूंगा कि आप लोग इसको एक बार खरीद के देखें, यूज करके देखें। देखिए मैं कितना भी बातचीत कर लूं, वीडियो में कितने भी चीजों के बारे में बता दूं, लेकिन यूज करने के बाद ही उसका असली मालूम पड़ता है आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोग इस्तेमाल कीजिए एक बार, जैसे आप इसको यूज कर लेंगे आप मुझे बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप इसको इजीली परचेस कर सके। सो आई होप कि गाइस मैंने जितने क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो बता दिए, एंड इन केस आपके कोई भी क्वेश्चंस डाउट होते तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एंड नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करेंगे। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोज रिव्यूज अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे बताइए। एंड बजट फ्रेंडली सप्लीमेंट जो है मैं बहुत सारे लेके आता रहूंगा वीडियो में ताकि आपका फायदा हो, आप ज्यादा से ज्यादा जो प्रोटीन अपने बॉडी में ले सके। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, दिस अंकित पाल, ओवर एंड आउट।